हम बात करेंगे किया सेल्टोस के बारे में। एसटीके प्लस आईएमटी वेरिएंट है ये। इसमें आपको आईएमटी में क्लच ऑफर नहीं किया जाता, बाकी आपको मैन्युअली गियर ऑफर किए जाते हैं। इवन कैसे हो आप सभी, और अभी ऑटोमोटिव की एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो बात करते हैं हम किया सेल्टोस के बारे में, जो कि इसका आईएमटी वेरियंट है। गाड़ी आपको जितनी बाहर से अच्छी लगेगी, उससे कई गुना ज्यादा आपको एक कम्फर्ट भी फील कराएगी अपनी ड्राइविंग में। इसकी रियर प्रोफाइल वाकई में बड़ी बेहतरीन है, और बूट पे भी आपको टेल लैम्प ऑफर किया जाते हैं। वही आपको सिल्वर कलर की स्ट्रिप मिलती है, उसी स्ट्रिप के मिडिल में आपको किया का लोगो सेटन क्रोम फिनिश में ऑफर किया जाता है। इसी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की जाती है, और अलॉय आपको सेटन क्रोम फिनिश में ही मिलते हैं। और इसी के साथ आपको टायर प्रोफाइल 205/55/R16 का टायर सेक्शन ऑफर किया जाता है, और व्हील बेस भी आपको गाड़ी में आपको 2610 mm का मिलता है। अगर गाड़ी की आपको की बात करें तो आपको की भी बड़ी प्रीमियम से ऑफर की जाती है, जिस पर लॉक अनलॉक बूट ओपनर और होल्ड के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो उन कॉम्बिनेशन के साथ गाड़ी की भी बड़ी प्रीमियम सी लगती है। और डायमेंशन की बात करें तो आपको लेंथ ऑफर की जाती है 4315 mm, की विड्थ ऑफर की जाती है 1800 mm, और हाइट आपको मिलती है 1645 mm। चलते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल पे क्या क्या ऑफर आपको किया जाता है। तो हेडलैम्प सेटअप में आपको DRL आपके इंडिकेटर और हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी आपको ऑफर किए जाते हैं। फुट पे सेटन क्रोम फिनिश के साथ आपको क्या कलर होगा, वहीं उसके नीचे आपको एक न्यू डिजाइन की आपको ग्रिल ऑफर की जाती है। फ्रंट बम्पर में आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट भी ऑफर की जाती है, जो गाड़ी के लुक को स्पोर्टी बनाता है। गाड़ी के साइड प्रोफाइल में भी आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग ऑफर की जाती है। OVRM आपको बॉडी कलर, उसी में आपको टर्न इंडिकेटर, और फेंडर पे IMT की बैजिंग आपको ऑफर की जाती है। डोर हैंडल आपको बॉडी कलर मिलते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट सेंसर भी ऑफर किया जाता है, और IMT वेरियंट में आपको फील ही नहीं होगा आप ऑटोमेटिक वेरियंट चला रहे हो। कि अगर रूफ पे बात करें तो बॉडी कलर शार्क फिन एंटीना, और इसी के साथ आपको इसके लुक को एनहेंस करने के लिए ड्यूल टोन में रूफ रेल्स भी ऑफर की जाती है, और आपको मिडिल में इसके सेंटर हाई माउंट स्टॉप लैंप भी ऑफर की जाता है। वहीं पे रियर में वाइपर और रियर डिफोगर भी मिलता है। अब करते हैं गाड़ी के टेल लैम्प की बात। तो टेल लैम्प आपको कैसी ऑफर की जाती है, LED के साथ आपको, और हेलोजन बल्ब के साथ भी आपको टेल लैम्प ऑफर की जाती है, जो नाइट के समय पर जलती अच्छी लगती है। लेफ्ट साइड में सेटन क्रोम फिनिश के साथ आपको सेल्टोस की बैजिंग ऑफर की जाती है, और बूट स्पेस आपको इसमें मिलता है 443 लीटर का। बम्पर में आपको पार्किंग सेंसर भी ऑफर किए जाते हैं, और इसी के साथ आपको ड्यूल टोन में रियर बम्पर देखने को मिलता है। इस जगह पे आपको रिफ्लेक्टर भी ऑफर किया जाता है, और फ्यूल फिलर कैप आपको स्क्वायर शेप में भी मिल जाती है। राइट साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया जाता है, पर को ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर गाड़ी के अंदर नहीं ऑफर किया जाता। चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। इंटीरियर में आपको क्या क्या ऑफर किया जाता है उसके बारे में करते हैं बात। फर्स्टली तो आपको गाड़ी के अंदर क्लच ही नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि IMT वेरिएंट है। IMT वेरिएंट के अंदर आपको मैनुअल गियर तो देखने को मिलते हैं, पर आपको आपके कंफर्ट के लिए क्लच नहीं ऑफर किया जाता। वो करते हैं ऑन, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बड़ी सी प्यारी फिनिश के साथ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसमें आपको टैगोमीटर और स्पीडोमीटर एनालॉग में दिए जाते हैं। उसके मिडिल में आपको MID भी ऑफर की जाती है, और गाड़ी के ड्राइवर डोर पैनल साइड आपको मल्टीफंक्शन मिल जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल OVRM, ऑटो फोल्ड, ऑल पावर विंडो के ऑप्शन मिल जाते हैं। सेटन क्रोम फिनिश के साथ आपको इनर डोर हैंडल भी ऑफर किए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम का बॉर्डर आपको पैनो ब्लैक फिनिश के साथ ऑफर किया जाता है। इसी के साथ इंफोटेनमेंट आपको 8 इंच में एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है। स्टेयरिंग व्हील आपको डुअल टोन कलर के साथ ऑफर किया जाता है, पर इसमें आपको लेदर की स्ट्रेचिंग नहीं मिल पाती। मल्टीफंक्शन आपको स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है, जिसमें माउंट कंट्रोल के सभी ऑप्शन और क्रूज कंट्रोल के सभी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसी के साथ आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, और आपको MID की ब्राइटनेस कम ज्यादा करने के लिए एक स्विच भी ऑफर किया जाता है। रूफ में आपको सनग्लास होल्डर, व्हाइट LED में कैबिन लैम्प, और इसी के साथ गाड़ी में आपको सनरूफ भी ऑफर की जाती है। सेम मैच करते हुए आपको ग्रैब हैंडल, और बी पिलर में आपकी सेफ्टी के लिए एयरबैग्स भी मिल जाते हैं। को पैसेंजर साइड आपको सन वाइजर में वैनिटी मिरर भी ऑफर किया जाता है। इसी के साथ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के सभी ऑप्शन गाड़ी के अंदर ऑफर किया जाता है। इसी के साथ 12 वोल्ट सॉकेट, एक USB पॉइंट और एक आपको सी पॉइंट भी गाड़ी के अंदर ऑफर किया जाता है, और यहाँ पे आपको मोबाइल रखने की भी जगह मिल जाती है। 6 स्पीड IMT ट्रांसमिशन के साथ आपको गाड़ी ऑफर की जाती है, और हैंड ब्रेक के पास आपको 2 कप होल्डर भी मिल जाते हैं। गाड़ी के डैशबोर्ड का डिजाइन भी यूनिक है, क्योंकि इसमें ब्लैक कार्बन की भी आपको फिनिश दी जाती है। ग्लोव बॉक्स के अंदर भी आपको अच्छा खासा स्पेस ओवर किया जाता है, और इसमें एक चीज मेरे को बहुत अजीब सी लगी कि कहीं पे भी आपको सॉफ्ट टच की फिनिशिंग देखने को नहीं मिलती। मिल जाता है आपको बोतल होल्डर। और चलते हैं गाड़ी के रियर कैबिन में आपको क्या क्या ऑफर किया जाता है। तो रियर कैबिन में आपको रियर कैबिन के भी डोर पैनल पे आपको हार्ड टच की फिनिशिंग देखने को मिलेगी, और रियर में आपको
सनसेट भी ऑफर किए जाते हैं। गाड़ी का रियर डोर पैनल बहुत वाइड ओपन होता है और स्पेस भी गाड़ी के अंदर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है और हम्प भी ना के बराबर ही मिलता है। थर्ड पर्सन को मिडिल में बैठते हुए कोई भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि लेग रूम और हेड रूम गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा दिया हुआ है और मिडिल में आपको रियर एसी वेंट भी ऑफर किया जाता है। अगर इसके इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको ये डीजल वेरियंट ही ऑफर किया जाता है जिसमें आपको 1497 सीसी का फोर सिलेंडर इंजन मिलता है जो 113 बीएचपी के साथ 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एक शोरूम प्राइस पड़ता है 13,70,000 रुपए। अगर गाड़ी आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।